जैसे आप सर का बहुत टेक केयर करते हैं, जब भी कभी सर आपके साथ रहते हैं जैसे एक दोस्त जैसे। हाँ, दोस्त जैसा ही रहता हूँ मैं। सर के साथ हंसता हूँ, घूमता हूँ और मजाक करता हूँ, और वो जोक बोलेगा, मैं जोक बोलता हूँ, और मेरा 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 गर्लफ्रेंड्स का स्टोरी भी उसको कहानी बताते थे, वो हंसता था। ऐसा फ्रेंडली चलता था। फिल्में देखना। मिलके फिल्में देखने के लिए जाते थे, मिलके टूर में जाते थे, मिलके सोते थे। तो ऐसा कभी हुआ है कि पत्री जी ने आपका ईगो ब्रेक कर दिया? बहुत बार मैं गाना लिख के आया, गाना बहुत अच्छा रेस्पॉन्स था। मैं जो गाना लिखा था, मैं लोगों सम ने अच्छा अच्छा बोला। अच्छा अच्छा मैं कॉलर नवकांत गाना बहुत अच्छा लिखा है, बहुत बड़ा राइटर बन गया, देख मेरा गाना की वजह से पिरामिड पार्टी कैसा जाएगा, ऐसा ईगो आया। पति सर को बोला, सर गाना, सर ने बोला, अरे नवकांत तुम बाहर जाओ, सब लोग चप्पल ऐसा ऐसा रखा है, सबका चप्पल आपका हाथ से उठा के सब लाइन में रख के आओ। मुझे भाई सबका चप्पल उठाना, एक लाइन पे रखना है, बड़ा राइटर हूँ मैं, बड़ा बहुत बड़ा मास्टर हूँ, मेरे पास क्यों ये काम बता रहा है, बोल के मैं मेरा ईगो हट हो गया। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरी यात्रा पत्री जी के साथ में। पिछले एपिसोड में हम नवकांत जी से मिले थे। नवकांत जी 1999 से PSSM से जुड़े हुए हैं और शहर शहर गली गली वो घूमे हैं ध्यान के प्रचार प्रसार के लिए पत्री जी के साथ। तो आइए और आगे जानते सूक्ष्म रूप की जो सीख है और गहराई से जानते हैं। आपका पुनः स्वागत है नवकांत जी। पिछले एपिसोड में बहुत हंसे थे हम, बहुत कुछ सीख थी, लेकिन सर की जो एक क्वालिटी है, तो इसी से शुरुआत करते हैं। तो पत्री जी का रूप लोगों को लगता है वो एक गुरु है, एक गुरु शिष्य परंपरा हो सकती है, क्या ये सच्ची में था? कैसे रहते थे पत्री जी आपके साथ? पत्री जी मेरे साथ नहीं है, सबके साथ फ्रेंडली रहते थे। कभी किसी को बताया नहीं है मैं गुरु हूँ, आप शिष्य है, वी आर ऑल फ्रेंड्स। मैं आपसे थोड़ा ज़्यादा सीखा है, आप सीखे तो मेरे जैसा बनेगा, मेरे से आगे भी बढ़ेगा। सब सीख के ऊपर, साधना के ऊपर होता है, आप जितना साधना करते हो उतना आगे जाओगे, दैट इज़ अ प्रिंसिपल। मैं ही गुरु हूँ, मैं जितना जानता है सब लोग नहीं जानता है, आई एम द सुपीरियर, आई एम द बॉस ऑफ PSSM। ही नेवर बिहेव्स लाइक दैट, सबके साथ फ्रेंडली रहता था, सबके साथ फ्रेंडशिप करते थे सर ने, साथ रहकर फ्रेंडशिप करते थे, दैट इज़ द पत्री जी। मतलब एक ड्राइवर के साथ भी ऐसा ही रहता है, एक घर में काम करने के वाला का भी मैडम संबोधित करता है सर ने, घर में काम करने वाला भी नाम से नहीं बुलाते, ये इधर आओ, ये उठाओ, ऐसा कभी नहीं बोलता है, मैडम इधर आइए, ये उठाइए, ऐसा ही बात करता है। मतलब सबके साथ फ्रेंडली रहता है और सबको रेस्पेक्ट देता है, मैं ये देखा है सर का। वो मैंने रियलाइज़ किया कि जब भी किसी के लिए केयर करते हो, ऐसे नहीं कि आप एक वेशभूषा में नहीं रहते हो, आप ट्रूली उनके साथ गुस्से में रहते हो, उनसे उनसे खुशियाँ बांटते हो। तो क्या क्या आपने इस यात्रा में, क्योंकि बहुत उतार चढ़ाव आए होंगे, बहुत कुछ डांटा होगा, कुछ प्यार से सिखाया होगा, कभी डांट के सिखाया होगा, तो क्या क्या आपने चैलेंजेस फेस किए और कैसे सर ने आपकी मदद की? एक्चुअली हम लोग एक गलती का काम करते हैं, मतलब अभी गलती किया, अभी समझ में आया मुझे, पानी के गिलास को नीचे नहीं रखते सर, नीचे रखे तो बहुत डांटता है, कि कई मैं हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स देखा है, पानी को कोई लेके आता है, पीता है, पैर के नीचे रख देता है, देर आर टू थिंग्स, बहुत चिल्लाता है, क्यों चिल्लाता है मैं सोच रहा, उठते उठते हुए उसको पैर लग सकता है, पानी गिर सकता है, और पानी बहुत सेंसिटिव होता है, हमारे इमोशंस रिसीव कर, पानी को बहुत रेस्पेक्ट देना है, इसीलिए पानी को कभी भी टेबल के ऊपर ही रखना है, नीचे नहीं रखने का, नीचे रखे तो बहुत डांटता है। ऐसा छोटा छोटा चीज़ों से हमको सिखाता है, छोटा छोटा चीज़ भी हमारा जीवन में लाने का सिखाता है, मतलब ये कहाँ गए तो हमको क्या, ये सीखे तो हमको क्या, या नहीं सीखे तो हमको क्या, हम तो सीख लिया, ऐसा नहीं है। मतलब स्मॉल 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 करेक्शंस भी करता है, मतलब
सब आदमी परफेक्ट रहना है, ऐसा हर एक चीज़ में कोई भी आके पूछेगा सर कैसा हो, डांटेगा बहुत कि भाई हॉस्पिटल में हो क्या, क्यों पूछ रहे हो कैसा हो, क्या विशेष है पूछो, कैसा हो क्या है बात है, छोटा छोटा चीज़ों पे भी करेक्ट करते हैं, मतलब हाउ आर यू कभी बोलना ही नहीं चाहिए, हाउ आर यू नहीं बोलना है, भाई हॉस्पिटल में हो क्या, व्हाट आर यू डूइंग, और क्या करना है, क्या चल रहा है, ऐसा पूछो, लेकिन डोंट आस्क हाउ आर यू इज रॉन्ग वर्ड बोलता है, हॉस्पिटल में है तो पूछना है हाउ आर यू बोल के, अभी क्यों पूछ रहा है, मतलब छोटा छोटा चीज़ भी करेक्शन करता है आदमी को, करेक्शन करके छोटा छोटा चीज़ों से सिखाता है, बड़े लोग आया हम करी कुर्सी में बैठा सिग्नल ऐसा बोलता है, वो आया आप उसको कुर्सी दे दो, कोई मेहमान आया घर पे हम ऐसे ही बैठते रहते, और कोई भी मैं यही देखा था आप और अमूल अलेखिया दोनों में एक था, पीएमसी ऑफिस में आप लोग आया, ध्यान जगत ऑफिस में कहीं गया, सर बहुत थक गया था वो टाइम पे, दो तीन दिन से पूरा प्रोग्राम्स था, आप दोनों में एक को छोड़ने के लिए एयरपोर्ट तक आया था वन एंड हाफ ईयर बैक, राइट आप थे, आप ही थे, छोड़ने के लिए एयरपोर्ट तक आया था, मैं सोचा था उसका जगह में है मैं है तो करता था, नहीं करता था, अमूल्या आई विल बुक ए कैब जाओ ओके बाय बोलता था मैं, इतना बड़ा गुरु होते हुए इतना हार्ड वर्क करते हुए आपको एयरपोर्ट तक छोड़ने का क्या जरूरत थे, मैं ये इंसिडेंट को ये देख के मैं आपको एयरपोर्ट में, मैं सर से पूछा सर अमूल्या को मैं कैब में भेज दूंगा सर, नहीं तो ऑफिस का गाड़ी में भेज दूंगा समथिंग मैं बताया था, नहीं नहीं मैं जाके छोड़ के आऊँगा बताया, मैं सोचा सर इतना थक गया इतना घूम रहा है अभी रात, आपका फ्लाइट भी 9 बजे समथिंग था, रात का समय था 9 बजे का फ्लाइट था आपका, 9 10 बजे का फ्लाइट था मुझे याद है, हार्डली वन एंड हाफ ईयर बैक हुआ है, आपको छोड़ने के लिए एयरपोर्ट आया था वो, अमूल्या एक छोटा बच्ची उसके सामने, वो बड़ा आदमी है, एज में भी छोटी है, और कोई रिलेशन नहीं है आपका ऐसा, तो फिजिकली कोई रिलेशन नहीं है आप, एज में भी आप छोटा है, डिजिग्नेशन में भी छोटी है, सब में आप छोटी है, लेकिन आपको छोड़ने के लिए इतना ध्यान क्यों देना है, क्यों आना है आपको छोड़ने के लिए एयरपोर्ट तक, क्यों आना है, क्या होता है आपको एयरपोर्ट तक छोड़ने आने के लिए, मैं खुद नहीं करता अभी भी, मैं खुद कर पाता हूँ नहीं कर पाता हूँ पता नहीं है, मैं वो देखने के बाद थोड़ा बहुत सीख लिया, अभी अभी थोड़ा लोग को ड्रॉप करता हूँ पिकअप करता हूँ, आपका इंसिडेंट से आपको पत्री जी एयरपोर्ट में ड्रॉप करने के बाद मैं बहुत सोचा है वो दिन बैठ के, ऐसा मैं थक जाने के बाद, मतलब मैं सुबह सुबह फ्रेश हूँ एयरपोर्ट आया छोड़ दिया ये ठीक है, सुबह सुबह आप एयरपोर्ट आया मैं बुलाया मैं आके आपको पिकअप किया ठीक है, लेकिन इतना रात में सुबह से काम कर रहा था बहुत बिजी था उसका तबीयत भी ठीक नहीं था फिर भी आपको छोड़ने के लिए आया है, मतलब ध्यान प्रचार करने वालों को इतना इंपॉर्टेंस देता है पत्री सर, पत्री सर सबसे इंपॉर्टेंस ध्यान प्रचार करने वालों को देता है, मोटिवेट करता है ध्यान प्रचार करने वालों को, और वो लोग के साथ टाइम स्पेंड करता है, बहुत रेस्पेक्ट करता है, मतलब बहुत कुछ सीखना है उनसे, बहुत कुछ सीखना है, देयर इज नो फॉर्मेलिटी, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, या फॉर्मेलिटी नहीं है, और छोटा भी आप छोटी भी हो आपको गेट तक काट के गेट तक आके आपको छोड़ के बाय बोल के गेट बंद करके अंदर आएगा, वो नहीं आ पाया तो हमको बोलेगा नवकांत आप जाओ ए महेश अग्रवाल जी आया एयरपोर्ट छोड़ के आओ, नहीं तो गेट तक जाके छोड़ के आओ बोल के बताता है, मतलब हर एक आदमी को कितना रिस्पेक्ट देना है वो सर से सीखना है, मैं 20 साल से देख रहा हूँ लेकिन पूरा नहीं सीख पाया अभी तक, स्टिल आई एम ट्राइंग, इतना बड़ा आदमी होते हुए वेरी ईगोलेसली जो भी काम में है वो काम बाजू में रख के, हम सोचते हैं हम काम में है ना वो लोग जाएगा गेट के खोल के जाएगा ठीक है बाय बाय बैठ के बाय बाय बोलते, गेट तक आके वो जितना भी बिजी रहता है कोई भी गेस्ट आता है गेस्ट को गेट तक आके छोड़ के गेट बंद करके अंदर आता है, ऐसा मैं 1000s of times देखा है, वो छोटा है बड़ा है
वो अमीर है, वो MLA है, वो गरीब है, उसका स्टेटस क्या है, कुछ नहीं, सबको गेट तक आके छोड़ के आता है। मुझे ये भी याद है कि एक आई थिंक पिरामिड मास्टर अनुभव साझा कर रहे थे और एक MLA आए थे, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन यूजली क्या होता है, आप सबसे पहले सबको हटा देते हो और वो MLA को जगह देते हो। वो पहले उस कॉन्वर्सेशन को खत्म करके, क्योंकि वो उस समय पे उनके लिए इम्पोर्टेंट, दैट इज द रिस्पेक्ट, मतलब कौन से सिचुएशन में कैसा रिएक्ट करना उनसे सीखना है। अभी एक ऑफिस बॉय सर से बैठ, अभी मैं पत्री जी हूँ, आप ऑफिस बॉय है, हमारे ऑफिस में काम करते हैं, पत्री जी उनसे बात कर रहा है, अमूल्य आया, बोलता है थुमुटो अमूल्य बैठेगा, आपसे बात कर रहा है, श्रेयन सर आया, अमूल्य बोलेगा, मतलब कौन से सिचुएशन में कैसा एक्ट करना, किसको कितना रेस्पेक्ट देना, विच इज इम्पॉर्टेंट, विच इज प्रायोरिटाइज, इसमें मास्टरी है पते सर के पास, ही इज द मास्टर, कौन से सिचुएशन में कौन से टाइम में प्रायोरिटाइज कैसा करना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट थिंग है, प्रायोरिटाइज करना, ये कब, ये इसके इम्पॉर्टेंट, ये टाइम के इम्पॉर्टेंट, ये टाइम के इम्पॉर्टेंट, इससे ऐसा। पत्री जी खाना बनाने के शौकीन हैं, उनको एक तो बहुत फूडी है, हर बार मुझे याद है कि रात में डिस्कस होता है कि सुबह क्या खाएंगे, बोलते कल सुबह डिस्कस करते हैं, सुबह होने के समय बोलते हैं ब्रेकफास्ट में क्या है आज, क्या बनेगा आज, एंड बहुत इंटेंट और इम्पोर्टेंस देते हैं खाने को। और जब मैंने ये भी देखा है कि जब कोई क्लास ख़त्म होता है तो वो आके जितना भी टायर्ड हो वो खाना ज़रूर बनाते हैं, तो ये क्या है, आपने और क्या क्या अनुभव किए हैं इसके खाने को लेकर? पत्री सर का प्रिंसिपल है, हाँ पत्री सर मुझे ये बताया था एक बार, नवकांत मैं हर दिन सोने के टाइम में ये सोचता हूँ मैं कितना लोगों को आज खुश रखा हूँ, मैं हर दिन ये सोचता हूँ, छोटी छोटी चीज़ में भी खुशी रख सकता है, पानी दे वो खुशी रखा, अब बहुत ब्यूटीफुल है अमूल्य, आपका ड्रेस बहुत अच्छा है, छोटे छोटे चीज़ों से भी खुशी होता है, आप कितना प्यारा आवाज़ है आपका, मतलब कैसा खुशी कर सकते सामने आदमी को, वो जितना खुशी करना है उतना खुशी करता है, कितना लोगों को आज मेरे वजह से खुशी मिल रहा है मैं हर दिन सोचता हूँ, बल्कि सर ने बताया था ऐसा ही। सर कहीं भी गांव जाता है 10 बजे पहुंचता है, हम लोग सुबह 5 बजे घर पे निकलता है, दोपहर में एक जगह जाता है, क्लास ख़त्म होता है, ख़त्म होने के बाद वो घर पे जाएगा, खाना बनाएगा, खाना बना के वो भी 2 बजे 2:30 बजे होता है, सबको खिला के खाना बनाएगा, सबको सर्व करेगा, सब खाने के बाद सर खाना खाता है, खाना खा के फिर निकलता है, दूसरा गांव जाता है, क्लास होता है, क्लास होने के बाद फिर खाना बनाएगा, रात 10 भी हो 10:30 बजे हो 11 बजे भी हो, खाना बना के सबको सर्व करके लास्ट एक खा के सो जाता है। मतलब मैं पूछा था इतना टाइड होते आप, ये ज़रूरी है क्या, इतना टाइड होते हो ये खाना बनाना ज़रूरी है क्या, वो लोग को फ़ोन करके बताया तो वो लोग बनाएगा ना, नहीं जो आप चाहते हो तो बना ही सकते हैं। हाँ आप बोलो फ़ोन करके मेरे को आलू फ्राई चाहिए, चामा गड्ढा का पुलुसी चाहिए, जो भी चाहिए तुम बताओ वो लोग बनाएगा, क्यों आप करना है, मतलब सर से पूछा। और थोड़ा थोड़ा घर पे जाता है वो लोग बनाने के बाद वो जाके खाता है, 90% यही बनाता है। सर से पूछे, सर ने बोला वो ग्रुप में वो घर पे वो टाइम पे जितना भी लोग खा रहा है जिसके पास ज़्यादा ध्यान है वो बनाना है खाना, जिसके पास ज़्यादा ऊर्जा है वो बनाना है खाना, बोल के सर ने बताया था। ऑब्वियसली मैं कोई घर पे गए तो देखता हूँ मैं ही ज़्यादा ऊर्जा वाला हूँ घर पे, मैं ही ज़्यादा ज्ञानी लगता हूँ, तब मैं ही बनाता हूँ खाना, मैं ही बना के सबको खिलाता हूँ। और मैं जो खाना बनाता हूँ वो खाना खाने से लोगों के अंदर परिवर्तन आता है, हमारा सोच विचार वो खाने से वो खाने वाले के अंदर जाएगा, थोड़ा बहुत परिवर्तन लेके आएगा, वो चांस भी नहीं छोड़ते सर। Yes. किताबों से बदलने के लिए किताब देता है,
भाषण से बदलने के लिए भाषण देता है, ध्यान से आदमी को बदलावट करने के लिए ध्यान बोलता है, खाने से भी लोगों को बदलने के लिए कोशिश कर, मतलब 100% कोई भी चांस नहीं छोड़ता, ए बी सी डी कोई चांस नहीं छोड़ता है। आदमी का अंदर परिवर्तन लाने के लिए जितना भी तरीका है सब तरीका में ट्राई करते रहते हैं ऑलवेज, मतलब उसके अंदर उतना प्यार है, उतना कंपैशन है लोगों के ऊपर, उतना प्यार है लोगों के ऊपर, इसीलिए सर सारी खाना बनाता है, दैट इज़ द फर्स्ट रीज़न। क्योंकि ही इज़ अ वेरी गुड मेडिटेटर, गुड मेडिटेटर शुड बी कुक, इसीलिए आपका बुद्धा फूड्स आपका बताया टाइटल, बुद्धा मतलब बुद्धा नहीं है, जो भी भूत प्राप्त एनलाइटेंड हुआ वो बुद्धा है, मतलब एनलाइटेंड मैन कुकिंग आपका शो, ऐसा एनलाइटेंड मैन ही कुक करना है, तभी जितना भी लोग वो खाना खाएगा लोगों के अंदर परिवर्तन आएगा, दैट इज़ अ पतेसर प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट, इसीलिए वो जितना भी टाइड है, और सर्व करने का भी एक आर्ट है, तरीका होता है, जितना सर्व करना है उतना ही करना है, ज़्यादा नहीं करना है, पहले क्या डालना बाद में क्या डालना, कितना कितना क्वांटिटी डालना है, द आर्ट ऑफ सर्विंग, द आर्ट ऑफ कुकिंग, द आर्ट ऑफ कटिंग वेजिटेबल्स, कौन से वेजिटेबल्स को, अभी एक बैगन है, बैगन को एक इतना सारा बैगन को एक एक आदमी 30-40 पीस बनाते हैं, सर ओनली 4 पीस बनाते हैं, एक आर्ट है, कटिंग एक आर्ट है, कुकिंग एक आर्ट है, सर्विंग एक आर्ट है, सब वो करके सबको सिखाता है। खाना बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है हमारा जीवन में, इसीलिए ही इज़ वेरी पर्टिकुलर अबाउट कुकिंग सर्विंग एंड ईटिंग ऑल्सो। एक बार मेरा फ्रेंड है, एक ही बार प्लेट में इतना चावल लगा के खाने के लिए कोशिश कर रहा था, सर ने उसको डांटा है, आप भिखारी है, बेगर है क्या, इतना खाना एक ही बार लगाया, सर इतना सर्व करता है चावल, इतना सब्जी देता है, इतना चावल, 10 बार आओ लेकिन इतना ही सर्व करना, प्लेट में एक ही बार इतना खाना है खाना नहीं लगाना, इतना चावल नहीं लगाना, ऐसे छोटा छोटा चीज़ों से भी बताता है। उतना जल्दीबाजी क्या है, थोड़ा 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 खाओ, छोटा छोटा चीज़ों पे भी ध्यान देता है। तो पति जी ने कहा है कि छोटे छोटे चीज़ें जो हैं वो मायने रखते हैं, यूजुअली हम बड़े बड़े चीज़ों को देखते हैं, जैसे रोटी कपड़ा मकान, जैसे एक बड़ा मकान है या कोई एक सक्सेस है, वो जाके पति जी को बोलते तो सर को कुछ नहीं है, सर मैंने आज बेंज कार खरीदा, और सर को हम रिपोर्ट करते हैं तो सर के फेस में कोई चेंज नहीं है। लेकिन आपने अगर खाना बनाया या आपने कुछ अलग काम किया, जैसे आपने प्रचार किया है, वो चीज़ें मैटर करती सर, परफेक्ट है मतलब। एंड वन मोर थिंग ऑल्सो, ही बैलेंस भी उनसे सीखना है, मतलब थोड़ा लोग एक एक चीज़ के लिए एक एक चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। आपका जीवन में आपको फिल्म देखना पसंद है, आप पीएमसी में अभी आया, सुबह से लेकर शाम तक ऑफिस में बैठते हो, फिल्म देखना बंद किया, त्याग किया, आपको संगीत सीखने के लिए मन है, पीएमसी में बिजी हो गए, आप संगीत नहीं सीख रहे हो, संगीत को प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, त्याग किया। और ऐसा बहुत लोग एक चीज़ के लिए 10 चीज़ त्याग करते रहते हैं, पत्री सर नहीं करता है, पत्री सर से सीखना है। पत्री सर जितना भी इंपॉर्टेंट है, उसको क्रिकेट देखना पसंद है, वो देखते रहता है, मेडिटेशन क्लास में भी बैठ के देखता है, नहीं है तो घर पे भी जाके देखता है, सबको मेडिटेशन में बिठाता है, ऊपर जाके टीवी देखता है, फिर आता है, फिर फ्लूट बजता है, फिर ऊपर जाके टीवी देख के फिर नीचे आता है, मतलब लाइफ में कोई भी चीज़ को सैक्रिफाइस नहीं करता है। फ्लूट बजाना है, फ्लूट प्रैक्टिस करता है, फ्लूट बजाते रहते हैं, उसको किताब पढ़ना पसंद है, हम सोचते हैं हम बिज़ी है, मैं किताब पढ़ने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, उसका उससे हम टाइम मैनेजमेंट सीखना है, हाउ यूटिलाइज हिज टाइम, वो किताब भी पढ़ता है, क्रिकेट भी देखता है, चेस भी खेलता है, खाना भी बनाते हैं, मजाक भी करता है, फिल्म भी देखते हैं, जो मन पसंद खाना है वह जाके खा लेता है, जो मन पसंद लोग है वो लोग से जाके मजाक करता है, और उसको करेक्शन करना पसंद है करेक्शन करते रहता है, और उसको ट्रैवलिंग पसंद है वो ट्रैवल करते रहता है, मतलब उनसे ये सीखना है आप
किसी को छोड़ना नहीं है, बैलेंस, टाइम मैनेजमेंट। ट्रैवल में किताब पढ़ता है, कोई भी अपॉर्चुनिटी मिला ग्राउंड पे, एक क्रिकेट ग्राउंड में हम गया था वहाँ पे, कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में जैन सर के कॉलेज में गया था, वहाँ पे क्रिकेट ग्राउंड देखा है, क्रिकेट खेलेंगे, क्रिकेट वो दिन खेला था, क्रिकेट खेला था। ऐसा हर एक मौका, जब भी मौका मिलता है उसका पैशन जो भी है वो करने के लिए वक्त निकालता है, गाना गाता है, गाना गाना है, रिकॉर्डिंग जाता है, मतलब एक कोई भी लाइफ में छोड़ना नहीं है, सबको बैलेंस करते रहना, आपका पैशन जो है उनसे सीखना है हम लोग, त्याग करने का जरूरत नहीं है कुछ भी। तो संसार में निर्वाण, जैसे सर ने बताया, संसार में रहते हो आप निर्वाण पा सकते हो, तो यही तो है PSSM का हार्ट एंड सोल, यही जो प्रिंसिपल है, संसार में निर्वाण। हाँ, संसार में रहना है, सब कुछ करना है, सबके साथ साथ ध्यान प्रचार भी करना है, ध्यान भी करना है, अपना काम भी करना है। पति सर को देख के सीख सकता है, हम भी कर सकते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, एक बकवास का बात होता है। पत्री सर के पास ही टाइम, खाना बनाने का टाइम है, पत्री सर के पास इतना बिजी रहने के वाला के पास सिनेमा देखने का टाइम है, खाना बनाने का टाइम है, क्रिकेट खेलने का टाइम है, चेस खेलने का टाइम है, किताब पढ़ने का टाइम है, हमारे पास क्यों नहीं है? हमको टाइम को यूटिलाइज करना नहीं आ रहा है, गुरु जी को आ रहा है, पत्री सर को आ रहा है। हम टाइम मैनेजमेंट में बहुत कुछ सीख सकते हैं पत्री सर से, और कितना बात करना है, कितना नहीं बात करना, Yes. उतना ही बात करता है, कितना देखना है उतना ही देखता है। मैंने ये नोटिस किया है कि हर एक पिरामिड मास्टर, जैसे कभी भी कोई ध्यान मा चक्र जैसे दिसंबर में होता है या महायोग ध्यान को होता है, मैंने नोटिस किया है कि हर एक मास्टर को इतने ब्यूटीफुली ट्रेन किया उन्होंने, सही है, एक इशारे से, एक इशारा काफी है, एक मास्टर को एग्जैक्टली पता है, एक इशारा रहता है और एग्जैक्टली पता है उनको क्या करना है, मतलब ज्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं करता है वो, हाथों का जेस्चर, पैरों का जेस्चर, एग्जैक्टली पता है उस समय पे क्या करना है, वो ऐसे करेंगे तो पता है फ्लूट बैग बुला रहे हैं। वेरी स्मार्ट, स्मार्ट वर्किंग आदमी। पत्री सर के पास जब ट्रैवल करते हैं हम लोग, फ्लूट बैग, सर के पास एक फ्लूट बैग रहता है, और बैग में उसका चश्मा और फ्लूट और सब कुछ रहता है। बहुत लोग भूल जाता है, बहुत डांटता है, मतलब एक को डांटने से दूसरा ठीक हो जाएगा, इसीलिए डांटता है, मतलब प्यार से बोलने से एक बार काम नहीं होता है, इसीलिए डांटता है, उसका अंदर गुस्सा एक्ट करता है, गुस्सा को, एक्चुअली वो गुस्सा नहीं होता है, नेक्स्ट मिनट वो नॉर्मल होता है, मतलब गुस्सा को एक्ट करता है। और फतेह सर को फ्लूट बैग देना है बस, लेकिन फ्लूट को पकड़ने से उसको ठीक नहीं लगता है, पकड़ के नहीं देना, ओनली जिप ओपन करके देने से ही फतेह सर फ्लूट लेता है। मतलब पता नहीं है, मुझे भी समझ में नहीं आता है, किसी को पकड़ने नहीं देता है फ्लूट को, वही पकड़ता है, उसके अंदर भी कुछ तो अंतरार्ध होगा। ऐसा वेरी पर्टिकुलर, ही इज़ वेरी पर्टिकुलर इन एवरी एक्ट, एवरी मोमेंट। एक साल मैं जब जानता था तभी एक साल मौन व्रत भी था, मौन में होते हुए सब काम करता था। बहुत लोगों को लगता है मौन में कैसे, बिना बोले कैसे हो सकता है, मौन में होते हुए लिखता था, फ़ोन में बोलो बोल के हमको जो बाजू में है वो उसको बताता था, मौन में होते ही सब इशारा देता था, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, सब काम करता था। ऐसा पत्री सर इज अ मल्टी टैलेंटेड, थोड़ा भी ऊर्जा वेस्ट नहीं करता है, इतना भी वेस्ट नहीं करता है, एंड प्रिंसिपल के ऊपर, एक प्रिंसिपल वो जाने तो वो प्रिंसिपल के ऊपर ही रहता है। मेरा लाइफ में, मैं अभी 37 ईयर्स है, 37 ईयर्स में मैं किसी को ऐसा नहीं देखा जो बोलता है वो करता है, ऐसा जो बोलता है वो करता है बस। मतलब मनसा वाचा कर्मना, एक ही फॉलो करने वाला एक ही आदमी को देखा पत्री सर, और ही इज डेयरिंग ऑल्सो, डेयरिंग, डैशिंग, रेबल, फिरोशियस, हर है उनके अंदर। एक कॉमेडी करता है, सीरियस रहता है, प्यार दिखाता है, डांटे सब कुछ करता है, मतलब सब नवरस, सब रस को ठीक से करता है। पर बहुत लोग जो
तो यूजुअली ये रहता है ना कि जैसे गुरु है तो एक सौम्य रूप है, कभी कोई गुस्सा नहीं आता है. सर को गुस्सा क्यों आता है? क्या उनको, बहुत लोगों को ये प्रश्न है कि क्या उनको एंगर मैनेजमेंट नहीं है, ये क्या प्रश्न है, ये क्यों मुझे डांट रहे हैं, क्यों पत्री जी डांटते हैं? एक बार क्या हुआ, हम लोग रायपुर से पत्री सर, मैं और दो तीन लोग मिल के बिलाई गए थे. बिलाई में एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, बिलासपुर में एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया. एक आदमी, जो आदमी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, वो आदमी तब नया नया सेंटर है, कोई ज़्यादा लोग नहीं है बिलासपुर में मेडिटेशन करने वाला. एक आदमी ने क्या किया, ध्यान प्रचार किया, मेडिटेशन क्लास अरेंज किया, एक हॉल लिया. वो हॉल 200-300 कैपेसिटी का हॉल लिया था, लेके मेडिटेशन क्लास ऑर्गेनाइज कर रहा. वो कोई मेयर को बुलाया, वो मेयर के साथ 50 लोग आया और बाकी का एक 20 लोग, मतलब 70 लोग ऐसा थे. मेयर तो कुछ तो किया है, वो हाथ हिलाया, पैर हिलाया, कुछ तो किया है. सर ने उसको डांटा, उसको ठीक नहीं लगा, उठ के चले गया. उसके साथ साथ 50 लोग चले गए. वही लेके आया ना 50 लोगों को, 50 लोग गया, वो हट होके चले गया. पति सर डांट लिया उनको, उसके साथ 50 चले गया, 20 ही लोग थे क्लास में, पूरा हो गया. जो ऑर्गेनाइजर को गुस्सा आया, मैं इतना काम करके, इतना पैम्पलेट बांट के, इतना काम करके, मेरा काम छोड़ के मैं ये क्लास के लिए कितना टाइम स्पेंड किया, और ये आया डाटा, सबको भगा दिया. मैं इसके लिए इतना काम किया तो भगा दिया, बोल के गुस्सा आया. मेरे पास आया, बोला नौकान जी, गुरुजी का गुस्सा थोड़ा कम होना है, नहीं है तो लोगों को हम ध्यान में कैसा लाएंगे. गुरुजी ठीक नहीं है, गुस्सा पे है, लोग ध्यान होके क्या शांत हो जाएगा, बोल के क्या समझेगा. गुरुजी को बताना है, तुम बताओ, बोला मुझे. मैं बोला मैं नहीं बताऊँगा, मुझे मारेगा बताया तो. तुम बताना चाहते हो तो बताओ. मैंने बोला अभी नहीं सर, घर पे आएगा ना, रायपुर में घर पे सोने के लिए आएगा ना, तब आओ, तुम बताना चाहते हो बता सकते हो. वो आ गया था, रायपुर आ गया था. मैंने सर से पूछा, सर वो आपसे बात करना चाहते हैं कुछ, बुलाओ. वो आया, ओके, ऐसा खड़ा हुआ सर के साथ. गुरुजी, आप बहुत अच्छा ध्यान प्रचार कर रहे हो, बहुत अच्छा आदमी है, किसी से रुपए भी नहीं लेते हो, बहुत अच्छा सिखाते हो, बासर अच्छा बात है, सब कुछ अच्छा है गुरुजी, थोड़ा आप गुस्सा कम किए तो ना लाखों लोग ध्यान में आएगा. बस थोड़ा गुस्सा कम करना आप, बोल के सर क्यों बताया. सर ने मुझे ऐसा देखा, देख के इसको बताओ, मुझे तेलुगु में बोल रहा था, तेलुगु में क्या बोल रहा था, इपड़दा का ఒక లక్ష మంది చెప్పారు నాకు సేమ్, వీడు 101 అని చెప్పు వీడికి అన్నాడు, హిందీలో చెప్పు అన్నాడు. అభితక్ 1,00,000 లోక్ ఏ సలహా ముజే దియా హై, ఏ 1,00,000 ఏక్ ఆద్మీ హై, బతావ్ ఉన్కో, బోలా. బోలా సర్ సున్లే, సునా నా, అభితక్ సర్ కు 1,00,000 లోక్ బోలా హై, ఆప్ 1,00,001 హై ఏ సలహా దేనే వాలా, ఆప్ పహలే నహీ హై, ఏ బోల్ రహా హై గురుజీ. సర్ నే బోలా, मैं जितना जितना, मैं 90 से गुस्सा में ही हूँ, सबको मार रहा हूँ, लोग तो बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है ध्यान के लिए. मैं जैसे जैसे मारते आ रहा हूँ, ऐसे ऐसे लोग बढ़ते जा रहा है, लोग थोड़े लाखों लोग आया मेरे पास, मैं भी फिर भी मार रहा हूँ. मेरे पास जब एक आदमी था तब भी मारता हूँ, 10 आदमी था तब भी मार रहा हूँ, 100 आदमी था तब भी मार रहा हूँ, डांट रहा हूँ, 1,000 लोग था तब भी मार रहा हूँ, डांट रहा हूँ, अभी 1,00,000 लोग है अभी भी मार रहा हूँ, डांट रहा हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है मुझे लोग आने में लोग नहीं आने में. मैं जो करना है वो करते रहता हूँ, मैं बिजनेस थोड़ी कर रहा हूँ लोगों को बढ़ाने के लिए. ऐसा आंसर सत्य की राह पर है, आंसर दिया था. मतलब गुरुजी लोग जो है ईगो को ट्रिगर करता है, ट्रिगर करके परिवर्तन लेके आते हैं उसके अंदर. हमको लगता है ऑक्शन में वो ढोल लाट लिया, राक्षस जात का है आप, क्यों मांस खाते, माछ मांस खाने वाला राक्षस जाति है, राक्षस हो आप, आदमी हो, डांटता है. डांटने के बाद जो आदमी उसके सामने रखता है उसका अंदर ट्रिगर करता है, मैं राक्षस हूँ क्या, सही से राक्षस हूँ क्या, नहीं तो प्यार से आप मांस को छोड़िए, शाकाहार खाइए, बोल तो नहीं सुनता है. मतलब आदमी के अंदर नहीं जाएगा, जब ऐसा बोलेगा ना राक्षस लोग माछ मांस खाता है,
ऐसा डांटेगा ना तब आदमी के अंदर जाएगा, तब आदमी सोचेगा, तब परिवर्तन आएगा। प्लीज मांस मत खाइए, शाकाहार खाइए, बोल तो सुनने वाला कोई नहीं है। इसीलिए पत्री सर का तरीका ऐसा है, इसका ईगो को ट्रिगर करता है। अब जानवर है आदमी है, सोचना एक बार, वो तो घर जाके सोचेगा, जानवर है आदमी है, मुझे बुलाए वो, जानवर जैसा खाते हो मांस, ऐसा बोलेगा। ऐसा मतलब उनका इंटेंशन सामने आदमी का अंदर परिवर्तन लेके आना, दैट इज़ द इंटेंशन, इसीलिए डांटता है। अभी देखो एक आदमी को ठीक से बोला नहीं सुना, एक बार डांट लिया, वो बैठता है अंदर, बैठ के उसके अंदर परिवर्तन आता है, इसीलिए डांटता है। मतलब हमारा भलाई के लिए, हमारा अंदर परिवर्तन के लिए। अभी आप पूछा है, आप ये इंटरव्यू में कभी नहीं पूछा आप प्यार से क्या बोला सर आपको, क्या डाटा, क्या डाटा, यही पूछ रहा है। मतलब उतना इम्पैक्ट रहता है, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी फोर्स में ऐसा आता है। जब ज़्यादा इंटेंसिटी नहीं रहता है ना, इंटेंसिटी नहीं रहता, वो बात धीरे धीरे होता है, इंटेंसिव बात शार्प होता है, फिर हंसते जाते हैं। मतलब ही एक्ट्स, वो रजोगुण नहीं है, रजोगुण का एक्टिंग करता है फिर बाहर आ जाता है, एक्टिंग करता है फिर बाहर आ जाता है। वो देखा है मैं, नेक्स्ट मिनट में स्वामी जी आओ खाना, अभी डांटता है, नौकांत आओ खाना खाएंगे बोलता है, नेक्स्ट मिनट मैं आपको डांटता हूँ, अमूल्या मुझे अच्छा नहीं लगा डांटा है, मैं आपसे मिनिमम मिनिमम 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट बात नहीं करता हूँ, आज नहीं बात करूँगा, कल बात करूँगा, नहीं तो 10 दिन बात नहीं करूँगा सर, नेक्स्ट मिनट ही अमूल्या आओ खाना खाएंगे, अभी डांटता है अमूल्या आओ खाना खाएंगे, पीछे चलेंगे क्या, ऐसा होता है उसका। मतलब इंटेंसिवली दूसरा आदमी के अंदर बदलावट लाने के लिए डांटता है, और कोई भी चीज़ को अंदर नहीं रखता है, जो अंदर है वो बाहर निकाल देते हैं। क्योंकि कोई भी ऐसे गुरु को सटली समझा जा सकता है, कुछ भी बात, कोई भी बात उन्होंने कहा हो उसके पीछे का अंतरार्थ है। तो आपको क्या उन्होंने कभी कोई आपके आगे के विजन के लिए कि आपको क्या करना है, कोई आपको एक सीख बताई है या एक मैसेज दिया है कि आगे आपको क्या करना है? मतलब हम एक चीज़, हमको क्लैरिटी है, ध्यान प्रचार से बड़ा काम ये दुनिया पे नहीं है, हम जानता है बल्कि वो भी जानता है, ध्यान प्रचार से बड़ा काम ये दुनिया पे नहीं है, हम जानता है बल्कि पत्री सर भी जानते हैं। पत्री सर लास्ट 4 ईयर्स से, 2018 से वी हैव लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स, कैलासपुरी हैं और राजमंड्री के पास एक पिरामिड है, ऐसा हंड्रेड्स ऑफ प्रोजेक्ट चल रहा है, लेकिन पत्री सर लास्ट 4 ईयर्स से कोई भी प्रोजेक्ट के ऊपर उसका ध्यान नहीं था, ओनली पीएमसी। मेरे को 2018 से उसका आखिरी श्वास तक मुझे यही बताया, पीएमसी हर लैंग्वेजेस में आना है, पीएमसी हिंदी सैटेलाइट होना है, पीएमसी तेलुगु अच्छा चलना है, पीएमसी तमिल को आगे ले जाना है, पीएमसी कनाडा को ले जाना है, पीएमसी जापानीज आना है, पीएमसी स्पैनिश आना है, हर लैंग्वेज में जाना है। 4 साल से उसका मन, बुद्धि, तन, धन तो उसके पास नहीं है, धन दिलवाया है लोगों को पूछ के, पीएमसी के लिए धन दे दो, पीएमसी के लिए धन दे दो बोल के, उसका तन मन धन सब पीएमसी में ही लगाया। मतलब वो 4 साल पहले ही जानता है मैं 2022 में जाने वाला हूँ ऊपर, जाने के पहले मैं काम करके जाऊँगा पीएमसी के वजह। पत्री सर जो भी बोला है अभी तक सब हुआ है, कॉमेडी करते मैं, हम लोग सोचता है वो कॉमेडी करके बताया, फिर होता है। सर क्या बोला कर्नूल में, फिर मैं हर दिन फ्लाइट में घूमूंगा, घूम के ध्यान प्रचार करूँगा, ये फ्लाइट उतरता हूँ दूसरा फ्लाइट में, दूसरा फ्लाइट उतरता हूँ तीसरा फ्लाइट में, ध्यान प्रचार करूँगा। सब लोग हंसे थे, उसका बस का किराए के लिए पैसा नहीं है, फ्लाइट में थोड़ी घूमेगा, बस का किराए टिकट के लिए पैसा नहीं है उसके पास, घुमाए बुलाए, बड़ा बड़ा पिरामिड बनेगा, सोचा है 10x10 पिरामिड का पैसा नहीं है, बड़ा बड़ा थोड़ी बनाएगा, कितना बड़ा बड़ा पिरामिड्स बनाया, लाखों लोग ध्यान में एक ही बार बैठेगा, सर ने बताया था, 10 लोग भी नहीं था सर जब बताया तब,
दस लोग भी ध्यान के लिए नहीं आ रहा, लाखों लोग थोड़ी आएगा, ये सब ऐसा ही बात करते हैं बकवास बोल के लोग सोचा है पति सर के पास जो भी बैठा है वो टाइम पे। थोड़ा लोग के पास विश्वास था और लोग मान लिया, थोड़ा लोग के पास विश्वास नहीं था, इसका दिमाग खराब हो गया, कुछ भी बोलते रहता है, लाखों लोग थोड़ी आएगा, लाखों लोग ध्यान में आया। हर पिरामिड मास्टर को सम्मान मिलेगा, हर पिरामिड मास्टर को ले जाके हमारा घर पे और क्लास बोलो बोल के बोलेगा। लोग सोचा है हम घर पे गए तो भी भगाई दे रहा है ध्यान बोलने के लिए, थोड़ी बुलाएगा हमारा घर में, ऐसा हुआ है। हर पिरामिड मास्टर को जो भी ध्यान प्रचार का उसका गाड़ी देगा, सब कुछ लोग दे के काम कराएगा बोला, ऐसा भी हो रहा है। ऐसा सर जो भी बोला है जो भी सोचा है वो सब कुछ होते ही रहा। सर बोला है ये धरती में जितना भी लैंग्वेज है सब लैंग्वेज में पीएमसी आना है, आएगा पीएमसी हिंदी सैटेलाइट बनेगा। वो जो भी बोलता है वो हो ही जाएगा, कैसा भी करके हो ही जाएगा। मतलब सर लास्ट 4 ईयर्स से उसका पूरा आपका पूरा ध्यान पीएमसी के ऊपर ही था, क्योंकि उनका लक्ष्य क्या है, ध्यान भारत, पिरामिड जगत, ध्यान जगत, शाकाहार जगत। ये पिरामिड जगत, ध्यान जगत, शाकाहार जगत को करने वाला ओनली वन टूल पीएमसी चैनल। 1,000-1,00,000 लोग करने वाला काम एक दिन में करके आता है, उतना इम्पैक्टफुल है पीएमसी चैनल देख के। हम लोग एक आदमी को वेजिटेरियन बनाने के लिए बहुत मुश्किल था, अभी चैनल देख के लाखों हज़ारों लोग वेजिटेरियन बन रहे हैं हमारा चैनल देख के, हज़ारों लोग मेडिटेटर्स बन रहे हैं हमारा चैनल देख के। ऐसा एक लैंग्वेज को इतना इम्पैक्ट है, दुनिया में जितना भी लैंग्वेज है उतना लैंग्वेज में हमारा चैनल आए तो सबके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, सब लोग बदल जाएगा। पत्री जी का फोकस इसीलिए ओनली पीएमसी पीएमसी को उतना इम्पोर्टेंस दिया है, पीएमसी में काम करने वालों को भी उतना इम्पोर्टेंस दिया है, उतना टाइम स्पेंड किया है। आप भी जानते हो ये 4 साल में कितना टाइम बिताया आपके साथ। बहुत लोगों को ये प्रश्न है कि पत्री जी के पास कोई इनकम नहीं है, ना तो ध्यान प्रचार के लिए पैसे लेते हैं, तो पीएसएसएम में पैसे नहीं है, ना ये सेंट्रलाइज्ड है, ये कम्प्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड है, तो ये सब कैसे संभव है, पत्री जी कैसे घूम पाते हैं? पत्री जी तुलसी दलम किताब लिखा है, उसमें 2 चीज बताया है। आप दो आदमी, अभी आप, आपको सिंपल चीज बताता हूँ। आप मेरा दोस्त है, ठीक है, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं आपका घर पे आया, आप खाना खिलाओगे नहीं खिलाओगे? बिल्कुल खिलाऊंगा। क्यों खिलाओगे? मेरे दोस्त हो। मेरे दोस्त, आप मेरा दोस्त है ना, इसीलिए खिलाओगे। मैं एयरपोर्ट में उतरा, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं उबर पकड़ के आया, मैं बोला दोस्त अमूल्या उबर में आया, मैं पैसा नहीं है, जाके दे दो उबर वाला को, बोले तो देगा नहीं देगा? बिल्कुल। क्यों? दोस्ती। या पत्री सर यही किया है। सबको दोस्त बनाओ। सर ने क्या बोला तुलसी दलम में, आपसे ज़्यादा ज्ञान वाले से दोस्ती करो, आपसे ज़्यादा पैसा वाले से दोस्ती करो, आपका फ्रेंड्स दो लोग आपका फ्रेंड बनना है, आपसे ज़्यादा पैसा वाला, आपसे ज़्यादा नॉलेज वाला। पैसा वाला आपका मिशन के लिए पैसा खर्च करेगा, नॉलेज वाले से हम लोग नॉलेज सीखेंगे। पत्रिसा यही किया है, पैसा वाले से फ्रेंडशिप किया और ज़्यादा नॉलेज वाला से फ्रेंडशिप किया, ज़्यादा किताब पढ़ा है। अभी एक एग्जांपल बताता हूँ, मेरे अंदर एक 5-स्टार रिसॉर्ट में, 5-स्टार होटल्स को मैं जा चुका हूँ लेकिन 5-स्टार रिसॉर्ट में कभी नहीं गया मैं। उसके एवरीडे का 35,000-40,000 होता है 5-स्टार रिसॉर्ट्स का। 5-स्टार रिसॉर्ट्स इंडिया में है बहुत कम, वो भी वेरी एक्सपेंसिव। मेरे अंदर था, मेरे अंदर इच्छा है 5-स्टार रिसॉर्ट में रहना है गोवा में जाके। रिसेंटली 8 मंथ्स बैक एक मेरा फ्रेंड है, वो बोला मैं आपका, मेरा फ्रेंड एक आनंद, आपको दोनों को एक 5-स्टार रिसॉर्ट में मैं 3 दिन के लिए रूम बुक किया, आप दोनों लोग आ जाओ, बोला है। मैं एवरीडे वो रूम रेंट है 28,000 समथिंग, मैं जो रूम रहता था, खाने के लिए 10,000 रुपया लगता था हमको एवरी डे। मैं 3 दिन रहा हूँ, अच्छा एंजॉय करके आया। मेरे पास पैसा है क्या? बिल्कुल। कैसा गया? मेरे दोस्त का पास पैसा है ना,
मुझे जो लोग लेके गया उसके पास उतना पैसा था। मतलब पत्री सर भी सेम थिंग, मतलब आप पैसा कमाने का जरूरत नहीं है, पैसा कमाने के वाला पास ध्यान सिखाओ, वही आपका मिशन को लेके जाएगा, आपको भी लेके जाएगा। तो हर एक पिरामिड में कुछ भी सेंट्रलाइज नहीं है, सबके अंदर जो एक बदलाव आया उसके द्वारा वो पिरामिड बनाते हैं और ऐसी ही संस्था स्प्रेड हो रहा है। तो अभी बहुत लोगों को ये प्रश्न है, रमा जी पत्री जी फिजिकली हमारे बीच नहीं है, ये जो संस्था है PSSM संस्था, ये कैसे चलेगा? और हम एक शो भी ये निकाल रहे हैं, लेकिन पत्री जी कहाँ हैं, कैसे हम PSSM को आगे लेके जा सकते हैं? पत्री सर, एक आदमी इन द ईयर ऑफ 1990 घर से बाहर निकला, तब उनके पास ना पैसा था, ना गाड़ी था, ना मटेरियल था, ना पूरा आइडिया था, ना ऑर्गेनाइजेशन था। एक आदमी इतना सब कुछ बनाते हुए इतना स्थिति को लेके आया। नाउ वी हैव पीपल, नाउ वी हैव स्ट्रक्चर, नाउ वी हैव मटेरियल, नाउ वी हैव चैनल। हमारे को इतना दिया है, वो आदमी के पास कुछ नहीं था, सब कमा के हमको दे के गया। हम ये भी नहीं संभाल सकते क्या? समझ में आ रहा है? आपका एक पापा जी, पापा है, आपके लिए गाड़ी कमाया, घर कमाया, उनके पास कुछ नहीं था। आपके पापा के पास, पापा जब आपका करियर शुरू किया तब उनके पास ना गाड़ी था, ना घर था, ना बैंक बैलेंस था, ना FDs था, कुछ नहीं था, सब देखे गया। देखे जाने के बाद भी हम कैसा जीना है बोले तो स्टूपिड क्वेश्चन। या और हमको सब नॉलेज दिया, सब मार्गदर्शन किया, उनके पास जो भी ज्ञान है सब बता के गया। चलता है ऐसा ही, वो जो बोला है हम ठीक तरीका से समझ के हमारा लाइफ में इम्प्लीमेंट किए तो सब कुछ चलेगा। ठीक तरीका से समझ के हमारा लाइफ में इम्प्लीमेंट किए तो, वो जो बोला ऐसा हम लोग जिए तो, वो जो बोला वो 18 प्रिंसिपल्स फॉलो होते हुए उनका मार्गदर्शन में हम जिए तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल उनका लक्ष्य को आगे ले जाने के लिए। बहुत कुछ दिया है वो। पहले आपके पास कैमरा नहीं था, वही देखे गया, ये लाइट वही देखे गया, वो स्टूडियो वही देखे गया, सब कुछ देखे गया। आप बस इसको संभालना है बस। लोगों को देखे गया आपको, एक मॉडल दिया, बस चलता है। एंड आप जो प्रश्न पूछा था अभी, उसमें एक प्रश्न था डिसेंट्रलाइजेशन, क्यों डिसेंट्रलाइजेशन किया है वो। सेंट्रलाइजेशन की वजह से पावर एक ही जगह में रहता है, एक ही जगह में डेवलप होता है। डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से हर जगह डेवलप होगा, हर आदमी के अंदर क्रिएटिविटी बाहर निकलेगा, हर आदमी को फ्रीडम मिलेगा, इसीलिए वो डिसेंट्रलाइजेशन किया है। पावर हर एक जगह में रहना है, हर एक जगह में हर एक आदमी के अंदर क्रिएटिविटी बाहर निकलना है, हर एक आदमी के अंदर पोटेंशियलिटी को बाहर निकलना है। एक जगह में सेंट्रलाइजेशन है तो वही लोगों को आएगा, सबको नहीं आएगा ना। सबके अंदर पोटेंशियलिटी को निकालना है, इसीलिए वो सेंट्रलाइजेशन नहीं किया, डिसेंट्रलाइजेशन। और पावर एक जगह में गए तो अहंकार ज़्यादा आएगा, पैसा ज़्यादा आएगा, वो पैसा के लिए झगड़ा ज़्यादा आएगा, इसीलिए वो पैसा कई बचना नहीं दिया, ऑलवेज सब बांट दिया। लोन्स पे ही है हर एक पिरामिड, बैंगलोर पिरामिड, करताल पिरामिड, एवरी वेयर लोन्स ही है, मतलब कोई एक्सेस मनी कहीं नहीं है। जब मनी रहता है तब सब लोग आता है पावर के लिए, इसीलिए वो मनी को ज़ीरो करते थे कहीं भी है। वो उनका जेब में एक रुपये भी नहीं रखते थे, कोई ट्रस्ट में नहीं रखने के लिए नहीं देते थे, कोई किसी का जेब में 100 रुपये है तो उसका 1000 रुपये का काम बताते थे। आपको पता है अमूल्या के पास 1000 है सर, जान लिया ना, आपको 1 लाख का काम बताता है। उसका स्ट्रैटेजी है वो। इसीलिए डिसेंट्रलाइजेशन किया है। ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, वेरी वेरी इंटेलिजेंट। वो PSSM स्टार्ट करने से पहले ही सब स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन स्टडी किया, सब फाइनेंशियल स्ट्रक्चर्स को स्टडी किया, सब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स को स्टडी किया, सब स्टडी करके PSSM लगाया।
बहुत लोग सोचते हैं सेंट्रलाइजेशन किए तो सेंट्रल बहुत अच्छा रहता था। वो ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, फ्यूचर को देख के सब कुछ बना के गया। आपके लेंस से PSSM को जानना, पत्री जी को जानना बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। और बहुत लोगों को ये लगता है कि सब पत्री जी को बहुत अच्छे से जानते हैं, हर एक मास्टर को लगा है, और लेकिन हर एक यूनिक तरीके से हर एक पर्सन से कनेक्ट किया। या दैट्स ट्रू। मैं एक बार पूछा था सर से, लुधियाना में रचना गुप्ता का घर पे था हम लोग, लाखों लोग समझते हैं पत्री जी मेरे को बहुत क्लोज है, सबसे मेरे को ही क्लोज है, ऐसा लाखों लोग सोच रहा है, व्हाट इज़ द सीक्रेट? बल्कि मैंने सर से पूछा था, सर ने मुझे बताया जो निसंगी होता है, जो निसंगी होता है वही संग से अच्छा रिलेशन मेंटेन करता है। मैं निसंगी हूँ लाइक कृष्णा, इसीलिए सबके साथ ऐसा लगता है, सबको सब मुझे ऐसा फील करता है क्योंकि मैं निसंगी हूँ। निसंगी का मतलब संग नहीं है तो भी मुझे चलेगा, कुछ नहीं है तो भी मुझे चलेगा, वो स्थिति में जाने के बाद। व्हेन यू आर एनलाइटेंड, कुछ भी नहीं है तो भी ठीक है, वो स्थिति में आप पहुंचने के बाद सब आपका हो जाएगा। मेरा कुछ भी नहीं है ये समझना है, मेरा कुछ भी नहीं है समझने के बाद सब अपना होता है। समझ में आया? मेरा ये है बोले तो आपका कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं ज़ीरो हूँ। आपको जब समझ में आता है यू आर एवरीवेयर, आई एम एक्स आप समझते हो, तब कुछ नहीं होते हो। यू हैव टू एक्सपीरियंस आई एम ज़ीरो, इफ़ यू आर ज़ीरो यू आर इन एवरीवेयर, इफ़ यू आर 1, 2, 3 यू आर नोवेयर। ऐसा पत्री सर के साथ, इसीलिए पत्री सर जीरो में रहता है, एम्प्टी स्टेट में रहता है। आप गए ना, मिरर जैसा है वो आदमी, मिरर है, आपको देख सकते हो उसमें, उतना क्लैरिटी रहता है। मतलब आपके साथ रहता है, आपके साथ जैसा ही रहता है 100%। नवकांत के साथ अलग रहता है, नवकांत जैसा ही रहता है। वाई? बिकॉज ही इज ऑलवेज एम्प्टी। जो एम्प्टी रहता है वो आदमी ऐसा रह सकता है। एम्प्टी ग्लास में विस्की भी डाल सकता है, बियर भी डाल सकता है, पानी भी डाल सकता है, चाय भी डाल सकता है, नींबू पानी डाल सकता है, रसना डाल सकता है, जो भरा हुआ ग्लास में कुछ नहीं डाल सकता है। इफ़ यू आर एम्प्टी एवरीथिंग विल फिट। ही इज़ ऑलवेज एम्प्टी, इसीलिए सबको लगता है मेरे को क्लोज है, मेरे को एक वाई बिकॉज ही इज़ एम्प्टी ऑलवेज। हम ऑलरेडी भरा हुआ ग्लास है, इसीलिए उतना इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर सकता है। जितना एम्प्टी है उतना नॉन जजमेंट, नो कमेंट। मैं ये भी तीसरी आदमी के बारे में बात करना मैं कभी नहीं देखा। इफ आप सामने हैं, आपके बारे में बात करता है, नो गॉसिप, नो गॉसिपिंग, नो जजमेंट, नो सजेशन आल्सो। नवकांत कभी नहीं बताया, नवकांत आप थोड़ा दाढ़ी बढ़ाए तो अच्छा लगेगा, नवकांत आपका ड्रेस बदलेगा तो अच्छा रहेगा, नहीं तो आप ऐसा किया तो अच्छा रहेगा। नो सजेशन। मेरा पत्री सर के साथ मेरा 22 ईयर्स जर्नी है, 22 ईयर्स में एक सजेशन भी मुझे नहीं बोला, आप तो ऐसा किया तो अच्छा रहेगा, ऐसा किया तो अच्छा रहेगा। एक घंटा किसी के पास बैठो तो बैठने से ही बताएगा, नवकांत तुम ऐसा मत करो, ऐसा करो, तुम कुर्ता क्यों पहनते हो, टी शर्ट पहनो, तुम चाय क्यों पी रहे हो बंद करो, तुम गर्म पानी क्यों पीते हो ठंडा पियो। एक घंटा दो घंटा का फ्रेंडशिप में ही लोग बोलना शुरू करता है, सजेशंस देता है, तुम इधर ऐसा रहो, तुम ऐसा रहो, तुम ऐसा मत करो, तुम ऐसा मत, कभी नहीं बताया। नो सजेशंस, नो कंप्लेंट्स, नो जजमेंट्स, ये तीनों को 100% पालना किया है सर ने। हम पूछे तो बताता है कुछ, पूछने से कोई एक आदमी आके पूछा था, गुरुजी मैं एक बिजनेस करना चाहता हूँ, ये बिजनेस करना है नहीं करना है? सर ने बोला करो। बोला क्यों? आप बिजनेस करो, सक्सेस हुआ ना आपको पता चलता है कैसा सक्सेस हुआ, फेल हुआ ना आपको पता चलता है फेल कैसा हुआ, करने से ही पता चलता है ना, करो। कभी मना नहीं करेंगे, मना नहीं करता है, एक्सपीरियंस है लाइफ में, लाइफ में एवरीथिंग इज एक्सपीरियंस है। आप सक्सेस होने के लिए बिजनेस करना है नहीं बताता। सर ने मुझे क्वेश्चन पूछा था पर्सनली,
नवकांत, एक आदमी एक काम को 99 times ट्राई किया, सक्सेस नहीं हुआ। एक आदमी एक काम को 2 बार किया, सक्सेस हुआ। कौन ग्रेट है, बोल के पूछा था। मैंने बोला 2 बार किया सक्सेस हुआ है ना, यही ग्रेट है। सर ने बोला नहीं, 99 times करके फेल हुआ ना, वही ग्रेट है, उसके पास ज़्यादा नॉलेज होगा। जो 2 टाइम करके सक्सेस हुआ ना, उसके पास उतना ज्ञान नहीं होगा, बोला। ऐसा कभी कभी पर्सनली बताते रहता है। कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट उनके अंदर आता है, बैठ के बताता है। ये सूक्ष्म सीख है छोटा छोटा ग्रुप के साथ। और हमारा एंकर रिसेंटली पूछा था, सर आप सबको समान दृष्टि से कैसा देखते हो? सर ने बताया, मैं समान दृष्टि से नहीं देखता हूँ, सही दृष्टि से देखता हूँ। मैं बहुत अंतरार्थ है उसमें। अमूल्या को अमूल्य जैसे देखता हूँ, नौकांत को नौकांत जैसे देखता हूँ, जिसको जैसा देखना ऐसा ही देखता हूँ। अमूल्या को नौकांत को समान नहीं कैसे देखता हूँ, देख पाता हूँ? दैट इज इम्पॉसिबल। सही दृष्टि से देखता हूँ मैं। बहुत गहराई होता है उसका बातों में। एग्जाम्पल मतलब एक MLA है, समझो एक घर में काम करने वाला है, घर में काम करने वाला कुर्सी में बैठे, MLA आके खड़ा हुआ सर के पास। सम्मान देखने से क्या करना है, इसको ऐसा ही बिठाना है। सर ऐसा नहीं करता है, बट तुम उठो वो बैठेगा। मतलब सही दृष्टि, MLA को MLA जैसा ट्रीट करना है, ड्राइवर को ड्राइवर जैसा ट्रीट करना है, नौकांत को नौकांत जैसा ट्रीट करना है, लड़की को लड़की जैसा ट्रीट करना है, लड़का को लड़का जैसा ट्रीट करना है, और जिसको जैसा देखना है ऐसा ही देखना है, जिसको जैसा ट्रीट करना है ऐसा ही ट्रीट करना है। दैट इज़ द इंटेंशन बिहाइंड इट। मतलब ये बहुत गहराई का बात है, बहुत गहराई। यूजुअली हम यही सुनते हैं ना कि समानता से देखना, समानता ऐसा नहीं होता है, पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। आपका सिस्टर है अलेख्या, अलेख्या को मेरे को एक ही तरह के देखते हो आप। आपका माँ को मुझे एक ही तरह देखेगा, नहीं है। मेरे को मेरे जैसे देखना, माँ को माँ का जैसे देखना। दैट इज अ रियल साइंटिफिक टेम्परमेंट। ऐसा कोई ऊपर नीचे नहीं है, जैसा है ऐसा देखना, एक्सेप्ट जैसा है ऐसा देखना। मतलब एक को ज़्यादा अभिमान करना है, कम करना, ऐसा बात नहीं है। जो जैसा है ऐसा ही देखता हूँ मैं। ऐसा हमको समझने में भी टाइम लगता है, एक एक चीज बहुत गहराई है, लाइफ टाइम्स लग जाते हैं। हाँ, लगेगा, फिर लग सकता है। एंड ही इज वेरी रेवोल्यूशनिस्ट। बहुत गालियाँ खाया उनका जिंदगी में, मैं वो इतना गालियाँ खाया लोगों से, कोई नहीं खाया होगा उतना गालियाँ खाया। हर टेम्पल में गालियाँ खाया, हर आदमी से, हर गांव में। बहुत अवमान, कई अवमान हुआ उनका लाइफ में, फिर भी वो पीछे हटा नहीं है उसका जो सिद्धांत के लिए। पत्री सर जो है वो क्रांतिकारी जैसा सोचता था, ऐसा करता था, लोगों के अंदर बदलाव लाने के लिए जितना भी तरीका है सब यूज़ करता था। मेरे को क्या है, वो कैसा गए तो कभी ऐसा नहीं सोचा। उसको जब वक्त मिला तब सामने वाला आदमी के अंदर परिवर्तन लाने के लिए प्रयत्न करते 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 हुए आया लास्ट ब्रेथ तक। एंड वन मोर लास्ट एग्जांपल भी बताता हूँ मैं। पत्री सर 24th को बॉडी वेकेट किया, 23rd July को मैं जम्मू में था। रात में 2 बजे वीडियो कॉल किया, मैंने ही देखा। मैं सुबह 4 बजे उठा था, वो दिन मिस कॉल्स है पत्री सर के पास से। क्यों मिस कॉल्स है, बल्कि मैं फ़ोन किया, बोला अन्ना आपको पत्री सर देखना चाहते हैं इसीलिए हम लोग वीडियो कॉल किया। मुझे समझ में नहीं आया उतना रात में क्या देखना चाहते, क्यों देखना चाहते। मुझे अंदर डर रहा ना, मतलब वो कभी जा रहा है क्या, वो भी इसीलिए देख रहा ना। लाखों लोग में मैं एक हूँ पत्री जी के लिए, ऐसा तो। लेकिन इतना इम्पोर्टेंटली मुझे वीडियो कॉल किया सर ने, मैं देखा, वीडियो कॉल किया सर को, देखा मुझे, सर को देखते हुए मुझे लगा सर बात नहीं कर रहा था वो टाइम पे। तुम आ जाओ बोल के उसका आंखों से मुझे बता रहा है, मेरा टूर में मैं जाना है अमरनाथ में। मेरा दोस्त को बोला तुम संभालो,
मैं चले जा रहा हूँ बोल के मैं सूटकेस लेके, जम्मू से डायरेक्ट फ्लाइट भी नहीं है हैदराबाद, दिल्ली आके दिल्ली में फ़्लाइट पकड़ के दिल्ली में से फिर बुक करके करंट बुकिंग करते करते हैदराबाद पहुँचा। 23rd इवनिंग तक मैं हैदराबाद पहुँच गया, सर के पास गया, देखा ऐसा ही देखा, सर भी ऐसा ही देखा, ऐसे थोड़ा देर देखते देखते ही रहा हूँ। सर ने बोला, सर ने अंदर से मुझे बताया, तुम इधर क्या कर रहे हो, अरेंजमेंट्स करो बोल के मैं बाहर निकला। सर बॉडी में था तभी मैं अरेंजमेंट्स करना शुरू किया, ऑफिस में फ़ोन किया, फ़ोन करके बग बनाओ, स्लाइड्स बनाओ और पत्री जी का जो भी है इंपॉर्टेंट बातें वो सब निकालो, सब एडिटर्स को फ़ोन कर दिया। सर जब जिंदा था तभी फ़ोन करके बताया सब काम शुरू करो, सब आदमी शाम को हमारा ऑफिस PMC ऑफिस में शाम काम शुरू किया। मैं बोला लाइट वाला को फ़ोन किया, लाइट लाओ, और डेकोरेशन वाला को फ़ोन किया था, सब काम शुरू किया। मैंने समझ में नहीं आ रहा है क्या कर रहा है पागल आदमी जैसा मैं, सभी लोग यही पूछ रहे थे, मैं भी थी उस समय पर, सभी लोग पूछ रहे थे अभी भी है आपकी गुरुजी बॉडी में? हाँ अभी भी है, लेकिन हमें पता है कि वो नहीं रहेंगे, और ऑलरेडी PMC के लोग काम करना, हम सब लोग आया काम करना शुरू, किसी को समझ में नहीं आया, लोग सोच रहा है 2095 तक रहेगा, ये लोग पागल लोग है जल्दी जल्दी क्या काम कर रहे हैं, म्यूजिशियंस को बुला रहे हैं, म्यूजिशियन से बोल रहे हैं कि आप आ जाना कल, बोल रहे अभी भी है बॉडी में, हाँ अभी भी बॉडी में, लेकिन हमें पता है कि वो, हाँ मतलब हम काम शुरू किया, काम शुरू किया। मतलब वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग क्या है ना, सर ही इज़ वेरी ऑर्गेनाइज्ड, वेरी इंटेलिजेंट, मुझे काम कराने के लिए बुलाया, मैं काम किया, जो भी काम है मैं आके किया। ही नोस मतलब किसके अंदर क्या टैलेंट है, कौन क्या काम कर सकता है, कौन क्या काम पे जिम्मेदारी ले सकता है, ही नोज़ वेरी वेल। नहीं तो मुझे उतना सुबह सुबह 2 बजे वीडियो कॉल करना है, फिर मैं नहीं उठाया, 4 बजे वीडियो से देखा है, मुझे बुलाया है, कुछ तो मतलब मैं ना एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। मैं सोचा था अभी भी काम करा रहा है मेरे से बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजर है आप, एंड वो जाने के 2-3 दिन पहले से सबका ड्रीम में जा रहा है, तुम आ जाओ देख के जाओ, आ जाओ देख के जाओ, सब ड्रीम में जा रहा है, जो लोग नया नया मेडिटेटर्स है, जो लग मेडिटेशन भी नहीं में आया, वो लोग के ड्रीम पे भी गया, मुझे लगभग 100 लोग बताया पर्सनली, पत्री सर मेरे ड्रीम में आ गया, मैं हम लोग आया देख के जाने के लिए। मतलब ही ऑर्गेनाइज्ड हिज डेथ वेरी ब्यूटीफुली, 2-3 सब क्राउड कंट्रोलिंग भी अच्छा करता है वो, एक ही बार गया ना, सब क्राउड एक ही बार आएगा, कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, सर को सबको देखना पसंद है, इसीलिए 2 दिन पहले से सबको बुलाया, सबका ड्रीम में गया बुलाया। सर जाने 2 दिन पहले से हज़ारों लोग आके देख के जा रहे हैं, देख के जा रहे हैं, देख के जा रहे हैं, मतलब वो मरने के टाइम पे भी इतना प्लानिंग, इतना क्राउड कंट्रोल प्लानिंग वो सब किया है, मतलब ही इज़ वेरी गुड ऑर्गेनाइजर, वेल प्लान्ड, अच्छा ऑर्गेनाइज करता है, वो जाना भी ऐसा ही ऑर्गेनाइज किया सच्ची में, वाओ या बिकॉज ये मैंने देखा है कि ओवरनाइट वो पूरा जो 24th का डेथ डे ना होके वो सेलिब्रेशन डे बनाया सर, एक ट्रूली एक सेलिब्रेशन जैसे जिया, एक सेलिब्रेशन के साथ जिया, हर एक पर्सन शॉक थे क्योंकि जो लाइट वाले पर्सन को, कैमरा पर्सन को, लाइट पर्सन को, बैंड वालों को, क्योंकि हर एक चीज ऑर्गेनाइज करना है, हर एक चीज मैसेज देकर फटाफट हो गया, मतलब उनका डेडिकेशन ऑफ द वर्क इज़ वेरी डेडिकेटेड, वेरी सिंसियर, उनका काम में वेरी सिंसियर है। एवरी डे सुबह सुबह उठ के लिखता था मैसेज, कितना सालों लिखा है, एक दिन भी नहीं छूटते थे, मतलब उसमें कितना कंसिस्टेंसी रहना है, कितना डेडिकेशन रहना है, कितना सिंसियरिटी रहना है काम के ऊपर। हम हर सुबह वेट करते थे कि कब पत्री जी डेली मैसेज शेयर करें, दैट मच ऑफ सिंसियर टुवर्ड्स हिज वर्क, दैट मच ऑफ डेडिकेटेड टुवर्ड्स हिज वर्क, आखिरी तक ऐसा ही, आखिरी श्वास तक ऐसा ही। आई मस्ट कंग्रेचुलेट यू नवकांत जी, क्योंकि जो आखिरी दिन का जो
ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपका आपने बहुत एक मुख्य भूमिका निभाई है, बहुत गट्स बोल सकते हैं हम लोग पागल ही है, आई थिंक वो शब्द है, हम लोग पागल हैं, क्योंकि सब जानते हुए भी इतने धैर्य के साथ कोई चीज़ ऑर्गेनाइज करना, सभी लोग हम टाइटल डिस्कस कर रहे हैं, ये सब चीज़ें कैसे हो पा रहे हैं, सच्ची में सभी लोग शॉक्ड ही थे कैसे कर पा रहे हैं, लेकिन एक पिरामिड मास्टर ये कर सकता है, ये मैंने रियलाइज़ किया, पत्री जी ने हमें ऐसे ही तैयार किया है योद्धा जैसे, यहाँ से डायरेक्टली पीएमसी इन दी ऑफिस में मैं बात कर रही हूँ टीम से कि हमें ऐसे ऐसे प्रिपेयर करना है, हमारे एंड से ऐसा होना चाहिए, हिंदी तमिल तेलुगु कन्नड़ा हर एक अपने अपने तरीके से, और आप फिजिकली वहाँ पर रहते हुए हजारों लोगों को मैनेज किया है। या एंड वन मोर थिंग, बहुत लोगों को डाउट है ये 2095 तक रहेगा बोल के बोला है, फिर क्यों नहीं है? बहुत लोगों को ये डाउट है, बहुत लोग हमें पर्सनली भी प्रश्न पूछ रहे हैं कि पत्री जी ने कहा था कि 2095 तक मैं रहूँगा इस शरीर में, इस बॉडी में, तो बॉडी वेकेट उन्होंने इस बॉडी में बोल के स्पेसिफिक नहीं कहीं नहीं बताया, 2095 तक रहूँगा बोल के बताया बहुत बार। तो इसका मतलब क्या है, इसका क्या अंतराल? एक्चुअली वो जो लक्ष्य है वो लक्ष्य के ऊपर 100% फोकस पे काम करता है, हम सब जानते हैं, जब तक वो थे तब तक हम सब थोड़ा बहुत डिपेंडेंट थे उनके ऊपर, डिपेंडेंसी की वजह से थोड़ा बहुत काम धीरे चल रहे थे, एंड कितना दिन जीना चाहिए तो हम देखा है हिमालय में 200 लोग भी 200 साल जिया है, 300 साल जिया है, बहुत लोग हैं, पत्री जी उन लोगों से कोई कम नहीं है, उस वो लोग का ज्ञान से उनका साधना से कोई कम साधना नहीं किया, बहुत साधना किया, बहुत ज्ञान है उसके पास, वो चाहिए तो जितना भी दिन फिजिकल बॉडी में जीना वो जीना चाहते तो कितने भी दिन जीता था। हम सबको एनलाइटन करने के लिए, हम सबको पैर पर खड़ा होने के लिए हजारों लोग उनके ऊपर डिपेंडेंसी आदत हो गया, हमारा डिपेंडेंसी को कट करके हम खुद रियलाइज होने के लिए, हमारा एनलाइटनमेंट के लिए वो जल्दी गया मेरा समझ में। हर एक आदमी एक पत्री जी बन गया, हर एक आदमी जी एक पत्री जी के जैसा जिम्मेदारी लिया अभी, हर एक आदमी जी पत्री जी जैसा होश में है अभी, मैं करना है ध्यान जगत पिरामिड जगत करना है, लाखों लोग पत्री जी बनाया के गया, वो जब तक वो था तब तक हम डिपेंडेंट थे, ठीक है वो है ना देखेगा, वो है ना देखेगा। अभी एक घर पे आप एक बिजनेस कर रहे हैं, आपका पापा, आप अलेकिया अमूल्या दोनों बेटी है, आपका पापा के लिए बेटी है, आपका एक कपड़ा का दुकान है समझ लो, पापा दुकान देखता है, हम पेरिफेरली देखता है, ठीक है पापा है ना पापा देखेगा, पापा है ना तो पापा देखेगा, बोल के हम बाहर जाते घूमते रिस्पॉन्सिबल नहीं रहते, इरेस्पॉन्सिबल रहते उधर इधर जाते, ठीक है पापा है ना यार पापा देखेगा, पापा देखेगा, पापा गया, जाने के बाद पापा जैसा जिम्मेदारी लेके दुकान को संभालेगा, पापा जब तक था तब तक हम बिजनेस के ऊपर फोकस नहीं करते, क्या पापा है ना देखेगा हम एंजॉय करेंगे बाहर जाएंगे एंजॉय करेंगे ऐसा ऐसा, उतना इंटेंसिटी नहीं रहता है। पापा जाने के बाद फादर का बिजनेस जो है हम जिम्मेदारी लेके कर लेते हैं, सेम स्ट्रैटेजी पत्री आल्सो अप्लाइड, जल्दी काम होने के लिए ये सिलसिला जारी रहे क्योंकि 22 इयर्स की यात्रा हम ऐसे ही जान नहीं सकते, बहुत कुछ है जानने के लिए, ऐसे ही आप पीएमसी के द्वारा सत्य का दर्शन कराते रहिए थैंक यू। और यूं ही ध्यान जगत शाकाहार जगत पिरामिड जगत पीएमसी के द्वारा प्रचार के द्वारा और लोगों तक बांटते रहिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच नवकांत जी दिल्ली में हमारे साथ इंटरव्यू करने के लिए, ये अहोभाग्य हमें देने के लिए, थैंक यू। तो दोस्तों ऐसे ही ध्यान जगत शाकाहार जगत और पिरामिड जगत को जन जन तक पहुंचाएंगे। बहुत कुछ पत्री जी के द्वारा हम सबको सीखना है इन पिरामिड मास्टर्स के साथ, और ऐसे ही आप बने रहिएगा पीएमसी हिंदी के साथ, मेरी यात्रा पत्री जी के साथ में, हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।